शांति। आज 26 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे कि तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर हो और तुम्हारा लक्ष्य है इस मृत्यु लोक से अमर लोक की ओर जाना। ये उद्देश्य बाबा कहे बहुत पक्का याद रखना है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हें पुरुषार्थ करना है 16 कला संपूर्ण बनने का, और 16 कला संपूर्ण वही बन सकते जो अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों की झोली से भरते हैं और अनेक आत्माओं की झोली भी ज्ञान रत्नों से भरते हैं, पावन बनते हैं और सबको पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने की विधि क्या है। तो पापों से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा इस जन्म की सारी कहानी बाप को लिख कर दे दो तो आधा माफ हो जाएगा। फिर पुण्य आत्मा बनने के लिए ज्ञान रत्नों का दान करो। जितना जितना ज्ञान रत्न दान करते जाएंगे अनेकों की दुआएं मिलती जाएंगी और पुण्य का खाता हमारा जमा होता जाएगा। तो यह विधि है पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने की। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। आज की मुरली से प्रश्न है 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी। उत्तर, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दूसरा, वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो, साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति, आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है, आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं, ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोला नाथ की भी महिमा है, भोला नाथ शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं, वह तो भोला नाथ ही बताते हैं। आदि मध्य अंत का राज तो भोला नाथ ही बताते हैं। भोला नाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं, शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं, वो तो आकारी रूपधारी है। भोलानाथ ही शांति सुख संपत्ति बड़ी आयु भी देते हैं, हर चीज अविनाशी देते हैं क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं, ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं,
यह तो अनादि ड्रामा है, यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्य के होते हैं, वह रिपीट होते हैं, जैसे कंस वध का खेल बनाया है। दुनिया में भक्ति मार्ग में कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, शिव बाबा है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। ये पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। दुनिया की पढ़ाई ये तो 15-20 वर्ष चलती है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। और यहाँ की पढ़ाई पूरी जीवन भर चलती है। तो बाबा कहे वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है, यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना, जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है। कौन सी बड़ी बड़ी बातें होती है? रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये बड़ी बड़ी बातें। मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं, संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है, उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी है तत्व का। समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पाठ बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्य को मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है। और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो,
फिर साकार में भाई बहन हो, निराकार में शिव वंशी भाई भाई हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजा पिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो, तो यह निश्चय रखना है कि हम शिव वंशी प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से, बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, बाबा कहे हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं, इतने जन्मों के पाप सब कुछ जमा होते आए हैं, अब हमको पुण्य जमा करना है। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और ज्ञान रत्न का दान करना है, जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं, अब उनको मिलता कहां से है? बेहद का बाप सबसे बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट है। सबसे बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट माना सबसे बड़े महादानी है। बाप आकर जीव दान देते हैं। कौन सा महादान करते बाबा? बाप आकर सबको जीव दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है, नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, या फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है, तुम नहीं बनो ये नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे, वही सत्यु के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कितने झड़ भी जाते हैं, झाड़ में से बाबा कहे कितने झड़ भी जाते हैं, कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला न सके। वह अखंड अचल रहते हैं, अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है, हमें अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए हैं, नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या होती है? बाबा कहे बनना जरूर है, कोई बन नहीं गया है, लेकिन हाँ 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे, हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्य ने बनाए हैं। अब तुमको परम पिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है, वह एक है
बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं, यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना, उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका है, यह है शक्ति सेना। वंदे मातरम, मुख्य है भारत, यह सबका मात पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते, श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य की क्या हालत हो गई है, बाप तो सबको वर्षा देते हैं, ज्ञान तो अथाह है, सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, अब तुमको अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंच कौन है, परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा, वर्षा किससे मिलेगा, उनसे। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी, वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं, यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परिचय देने की विधि बाबा बताते, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, कितना भी समझाओ फिर भी कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। पत्थर बुद्धि है, अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या। प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते हैं, धर्म के नेताओं आदि को भी निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी, गीता के भगवान परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बाबा कहे अगर यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है, बहुत समझते भी है परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ ले वो मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए, जो सिग्नेचर करके जाते हैं बाबा कहे फिर उन्हें चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर सो गए क्यों। मेहनत चाहिए परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है, ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। बाबा कहे जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं, वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बुट्टी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं, श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, ये खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया, अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं।
बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राम राज्य था, अब सारी दुनिया को रावण ने हराया है। यह अशोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है, यहाँ अशोक का होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव का नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्र माला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है, मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गौरी थी, इसीलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया है, भक्ति मार्ग में कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जीव दान देना है, बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है, महादानी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है, बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है, जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला, तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं, कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। आज का स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन YouTube, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।